दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 5 मिनट अपनी घड़ी देखिए और घड़ी देखकर गिनिए कि यहाँ पे इस रोड पे 5 मिनट में कितनी DTC की बसें आती हैं, तो शायद आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आप ये मान के चलिए कम से कम कुछ भी नहीं तो मतलब 15 से 25 बसें गुजर जाएंगी, क्योंकि इस रोड पे इतनी सारी बसें हैं कि मैं काउंट नहीं करवा सकता। उसका कारण यह कि देखिए, एक तो रूट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारी बसें चलती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो आप पीछे देख पा रहे होंगे कि इतनी सारी रूटों की यहाँ पे बसें चलती हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पे सारे नंबर लिखे हुए, देखिए लिखे ना, तो इतने सारे रूटों की बसें यहाँ चलती है, और यही कारण है कि इस रोड पे आपको कभी भी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर DTC की बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस आप आइए और 1 मिनट के अंदर आपके पास बस आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और आपको बता देते हैं कि एक्चुअली में हम है कहाँ। हम हैं शिव विहार कॉलोनी में, जो कि मेन कंझावला रोड पे पड़ती है। शिव विहार कॉलोनी DDA की जो पास लिस्ट है उसमें 110 नंबर पर आती है। पूरा नाम शिव विहार कराला है, और ये जो कॉलोनी है काफ़ी बड़ी है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हमारा भाग्य विहार है, शायद उससे भी बड़ी है। और एक सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आपको रोड जो है चौड़े चौड़े मिलेंगे, खुले खुले मिलेंगे। जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये रोड है 30 फुट का और कमर्शियल रोड है। इसी रोड पे आगे अभी मैं चलूँगा और आपको दिखाऊँगा मेन रोड पे कि क्या कहते हैं, ये पीछे की तरफ तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, थोड़ी कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, दुकानें ज़्यादा बन गई हैं, अच्छा माहौल हो गया है, तो रेट भी उसी तरीके से बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी अभी इनिशियली स्टेज पे ये मान के चलिए कि पीछे की तरफ जिधर मैं खड़ा हूँ, इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं कम रेट में भी। ये मान के चलिए कि 20-22 लाख में भी आपको 100 गज का प्लॉट मिल सकता है। हाँ, और एक चीज़ को हमेशा अपनी गांठ बांध के रखें कि जैसे जैसे प्लॉट आप छोटा लेते हैं, जैसे जैसे प्लॉट का साइज छोटा होता जाता है, वैसे वैसे प्राइस ऊपर चलता जाता है। तो ये मान के चलिए कि 12-13 लाख में आपको 50 गज का 15-20 फुट की गली में यहाँ पर प्लॉट आराम से मिल जाएगा। तो प्रिय मित्रों, ये कॉलोनी काफ़ी बड़ी है और खुली खुली है। सबसे अच्छी बात है कि इस रोड पे जो मेन कंझावला रोड कहलाता है, यहाँ से लगभग कंझावला 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो मेन कंझावला रोड है और ये जाके मिलता है आउटर रिंग रोड पर। तो इस रोड पर पूरी कॉलोनी से, जैसे ये आप रोड देख रहे हैं, तो ये कमर्शियल रोड है शिव विहार का, तो ऐसे ही कम से कम 5 से 6 रोड जो है कि इस रोड पर आते हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी काफ़ी एक्सेसिबल हो जाती है। और इसके कारण सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऐसे घूम के यहाँ नहीं आना है, आप चाहे जहाँ भी हो, किसी भी पार्ट में रहते हो, आप आराम से पैदल चल के 2 मिनट में मेन रोड पे आ जाएंगे और यहाँ से बस पकड़ लेंगे। स्टैंड भी ऐसा नहीं कि कोई अकेला स्टैंड है, नहीं, स्टैंड भी बहुत सारे हैं, हर 100-200 मीटर पे जो है कोई ना कोई स्टैंड है। और अगर आप देख पाएँ तो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से लगभग 500 मीटर मान लीजिए कराला चौक है, और कराला गाँव की ज़मीन पर ही आपका जो सामने ये पड़ता है, मैंने आपको एक बार दिखाया था, ये आनंदपुर धाम है, और मेरे पीछे जिसकी मैं आज कवरेज कर रहा हूँ वो शिव विहार है। फिर कराला के अगर हम जाएंगे उस तरफ मुंडगा कराला रोड पे, तो आपको जो है कि शहीद भगत सिंह कॉलोनी पड़ेगी। इसके अलावा जो मैंने अभी उत्सव विहार दिखाया था वो भी कराला की ही ज़मीन पर है। और आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कराला दिल्ली का सबसे बड़ा गाँव है। जी, कराला ऐतिहासिक तौर पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का सबसे बड़ा गांव कराला है। सस्पेंस खत्म करते हुए आपको मैं बता दूं कि हम जहां पे आज खड़े हैं, इस रोड का नाम है कंझावला रोड, और यहां पे ये मान के चलिए कि भाई हर तरह की कॉलोनियां हैं इसके दोनों तरफ। इस रोड के बहुत एक से एक बढ़िया से बढ़िया कॉलोनियां हैं, और आने वाले टाइम में मैं सारी कॉलोनियों को कवर करने वाला हूँ बहुत जल्द। और आप देख भी रहे होंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि DTC की बहुत अच्छी सर्विस है, तो कनेक्टिविटी को लेकर आपको यहाँ पे सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे कोई इशू हो सकता है। बेफिक्र आइए, आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना अच्छा माहौल और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया रूट है, सीधा ये रोड जो है आउटर रिंग रोड पर जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जो है कि आपको बैक कैमरे से आसपास का माहौल दिखा देते हैं और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देंगे जिससे आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो सामने आप देख सकते हैं कि मेन कंझावला रोड है और मंदिर जो दिख रहा है वो मेन रोड है। आसपास का माहौल देख लीजिए कि घर कैसे बने हुए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई आप यहाँ पर रहना चाहें तो रह सकते हैं या नहीं रह सकते।
आप जानती हैं कि जो चौड़े रोड होते हैं, मेन रोड होते हैं, वहाँ पे जो है कि बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके लोग छोड़ देते हैं, जो फ्यूचर को लेकर काफ़ी जागरूक रहते हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट करके छोड़ बहुत देते हैं, कम जब होते होते हैं, जमीन और धीरे धीरे फिर वो बेचना शुरू करते हैं। तो ये जो है कि आपका माहौल है, और सबसे अच्छी बात जो मैं बता रहा था, एक छोटा सा जो है सरप्राइज, वो ये है कि देख सकते हैं सामने ये गुरुद्वारा है, तो यहाँ पर आपको गुरुद्वारा भी मिल सकता है, और अगर आप पंजाबी पंजाबी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर रह सकते हैं और आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा। और भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुरुद्वारा विजिट करना। सामने भी जो आनंदपुर धाम है वहाँ भी गुरुद्वारा है, और यहाँ पे शिव विहार में भी आपका गुरुद्वारा पड़ जाता है, और जो मैं आप जहाँ खड़ा खड़ा हूँ हूँ। इसी रोड को बोलते हैं गुरुद्वारा रोड, क्योंकि आप मेन रोड से अगर आएंगे तो यहाँ पर गुरुद्वारे पे जाने के लिए इसी रोड से आपको एंट्री मिलेगी, तो इसलिए इस रोड को हम क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा रोड। और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो कॉलोनी मोर अंदर चलते जाएंगे। तो चलिए एक बार जो है कि आसपास का थोड़ा सा और आपको लोकेशन दिखाते हैं, फिर आगे बात करेंगे प्राइस की। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि IGL की गैस पाइपलाइन भी बिछ चुकी है, और साथ में देखिए सामने घर में आप देखिए कनेक्शन भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी गैस की पाइपलाइन बिछ चुकी है, घरों में कनेक्शन लगने शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये जो एरिया है ये बिल्कुल पीछे का एरिया है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दुकानें कुछ बन चुकी हैं ऑलरेडी, जो है कि यहाँ का आसपास का माहौल आप देख लीजिए। सामने जहाँ टेंट लगा हुआ है ना, वहाँ पे बहुत ही अच्छा शिव मंदिर है, और ठीक वैसे ही आज तो मेरे ख्याल से बंद लग रहा है, टेंट वेंट लगा हुआ है, ठीक है। शिव मंदिर ठीक ऐसे जैसे ये रोड गया हुआ है ना मेन रोड पे, ऐसे ही वहाँ से भी पैरेलल रोड मेन रोड पे गया हुआ है, ठीक है ना। और ठीक वही नहीं, उसके साथ साथ इधर से भी जो है कि पैरेलल रोड आपके मेन रोड पे गए हुए हैं। तो ये आसपास की लोकेशन आप देख सकते हैं, और ये रोड तो खैर कमर्शियल रोड है, बाकी आप अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहें तो इस तरफ जो है थोड़ी प्रॉपर्टी आपको ठीक ठाक रेट में मिल जाएगी। 30 फुट का चौड़ा रोड है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं लोकेशन की, कि हम शिव विहार में आए हैं तो शिव विहार पड़ता कहाँ है, ठीक है ना, मतलब शिव विहार दिल्ली में कहाँ पड़ता है। तो देखिए हम ये तो समझ गए कि भाई शिव विहार पड़ेगा दिल्ली में, दिल्ली में उपस्थित है, लेकिन है कहाँ, तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आपका कंझावला एरिया पड़ता है, कराला एरिया पड़ता है। और अगर इसको और बेहतर तरीके से समझें तो सबसे अच्छा समझने का तरीका है कि रोहिणी सेक्टर 38 के आसपास ही पड़ता है, रोहिणी सेक्टर 38 के पास पड़ता है कराला गांव, और कराला गांव की जमीन पर ही ये बसा हुआ है, ठीक है। तो समझने में ज़्यादा दिक्कत अब नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि रोहिणी सेक्टर 38 यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर मान के चलिए इस कॉलोनी से। और देखिए अब मैं बात करते करते आपको समझाते समझाते आ गया हूँ इस दूसरे रोड पे। एक तो मेन रोड था वो जो कंझाला रोड था, और दूसरा ये मेन रोड है जिसका नाम है मुंडका कराला रोड। जी अक्सर आप जो है मुंडका कराला रोड पे वीडियो देखते रहते हैं, और वो जो वीडियो आप देखते हैं वो देखते हैं भाग्य बिहार की। तो ये मुंडका कराला रोड है और ये काफ़ी चलता है। यहाँ से अगर हम DTC की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप देख चुके हैं कंझाला रोड पे। उसके अलावा इस पर भी बसें आपको मिलती हैं। उसके अलावा अगर आप मेट्रो की बात करेंगे तो देखिए उस वाले रूट पे भी मेट्रो तो है नहीं, लेकिन ये है कि इस वाले रूट पे अगर हम मेट्रो की बात करें तो यहाँ से लगभग ये मान के चलिए 4 किलोमीटर की दूरी पर मुंडका मेट्रो स्टेशन है। लोग भाई ऐसी मतलब लोग क्या बच्चे तो ऐसे करते हैं, थोड़े नौटंकी करते ही हैं, ठीक है ना, तो नेवर माइंड छोड़िए उसको। तो यहाँ से लगभग ये मान के चलिए कि 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको मुंडका मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, और पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, इतना ही कह सकता हूँ, ठीक है। तो रोड काफ़ी चलता चलता हुआ है, ट्रैफिक काफ़ी रहता है। तो आप देख लीजिए ये जो कॉलोनी है आपकी, दो तरीके से दो मेन रोड से घिरी हुई है। एक तो ये हो गई आपकी मुंडका कराला रोड, और दूसरी आपकी कौन सी हो गई, यहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर जाएंगे तो कंझावला रोड आ जाएगा। तो प्रिय मित्रों देखिए ये तो हो गई आपकी बात लोकेशन की, और मैं आपको ना एक प्राइस का रेंज बता देता हूँ, ओवरव्यू बता देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप पहले से तैयार रहेंगे तो प्रॉपर्टी सर्च कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप देखिए छोटा प्लॉट लेते हैं, इसमें ये मान के चलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भाग्य विहार में बहुत सारी वीडियो डाली है और भाग्य विहार में प्राइस भी आपको बताया है, तो ठीक वैसे ही यहाँ भी सेम रेट मिलेगा आपको, बिल्कुल आपको भाग्य विहार में जो प्राइस मिल जाता है सेम वही प्राइस यहाँ मिल जाएगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ भी वैसे डिपेंड करता है कि जैसे ये जो एरिया है पीछे वाला, ठीक है, इस थोड़े पीछे वाले एरिया से जब आप आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, ये एक मेन रोड है पैरेलल चल रहा है जो कंझाला रोड के पैरेलल चल रहा है, ये मेन रोड पूरे शिव विहार में जा रहा है, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ये जाता है। तो इससे जो है कि रोडें निकली हुई हैं 25-25-30-30 फुट की सड़कें निकल कर पहुँची हुई हैं कहाँ पर, मेन कंझावला रोड पर।
और एक ये एंट्री कहाँ से है, ये एंट्री आपकी मुंडका कराला रोड से है। तो इसलिए जो है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर यहाँ पे आप रह सकते हैं तो आप आराम से रहिए, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक है, सारी सुविधा है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सुविधाओं में, यहाँ पे IGL की गैस पाइपलाइन भी बिछ गई है और सीवर का तो काम देखिए आप देख ही रहे हैं कि हर कॉलोनी में चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बिजली पानी गैस लाइन जो है कि बिछ चुकी है, तो उस कनेक्शन भी है, ऐसी बात नहीं कनेक्शन नहीं, कनेक्शन भी हो रहे हैं, कनेक्शन भी मिले हुए हैं। तो गैस के कनेक्शन है, बिजली है, पानी है और सीवर तो भाई बड़ी चीज़ है, तो उसे गवर्नमेंट डेवलप कर ही रही है, थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि सीवर भी आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं प्राइस की। देखिए अगर आप छोटा प्लॉट ढूंढ रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर छोटा प्लॉट लेंगे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो एवरेज प्राइस है ना वो बहुत बढ़िया है। मतलब ये मान के चलिए कि 25,000 रुपये गज से लेकर, यानी 25,000 रुपये गज से लेकर यहाँ पर आपका 70-80,000 रुपये गज तक भी है। कारण कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी वो तो हमेशा महंगी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल प्राइस की बात करें, एक रेजिडेंशियल प्रस्पेक्टिव से बात करें, तो आपको ये मान के चलिए कि 6-7 लाख में 25 गज का प्लॉट भी मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर की तो देखिए कोई सीमा है नहीं, लेकिन नीचे की सीमा यह है कि कम प्राइस में भी आपका काम हो जाएगा। लगभग 12-13 लाख में 50 गज का प्लॉट मिल जाएगा, और लगभग ये मान के चलिए कि अगर 100 गज का प्लॉट चाहिए तो 20-22 लाख में मिल जाएगा। लेकिन ठीक ठाक चौड़े रोड पे 20-25 फुट के रोड पे अगर आप प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 30 लाख का एवरेज प्राइस लेके चलिए, यानी 30 से 35 लाख रुपए में आपको ठीक लोकेशन पे चौड़ी सड़कों पे और ऐसे माहौल में, जैसे मैं अभी जिस रोड पे चल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा माहौल है और घर भी अच्छे बने हुए हैं, और मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख ही रहे होंगे कि घर भी ठीक ठाक बने हैं, रोड भी चौड़ी है, शांत माहौल है, और सारी जो सड़कें हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, यानी 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर मैं बैक कैमरे से एक बार दिखाऊं तो कुछ इस तरीके, ये भी जाके आपका सीधा मेन रोड पे आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ आते आते आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना, वो मेन कंझौला रोड है, तो ये भी सीधा आपका मेन रोड पे ही निकलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको आसपास का। शांत माहौल है, शांत गलियां हैं, रहने लायक जगह है, आसपास घर भी अच्छे बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कंजेस्टेड है, नहीं, ठीक है, खुला खुला माहौल है, साफ सुथरा माहौल है और अच्छा है, देखने सुनने में अच्छा लग रहा है। दोस्तों अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, आशा करता हूँ कि आपको ये कॉलोनी पसंद आएगी, और अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो आइए, दौड़िए, रिसर्च करिए, मेहनत करिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको आपकी मन चाही प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी। मेरा काम है आपको नई नई कॉलोनियाँ दिखाना, बताना, और मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिन पे दिन एक नई जगह दिखाऊँ, नई कॉलोनी दिखाऊँ, और बहुत जल्द हम ये मान के चलिए कि नॉर्थ दिल्ली में भी जाने वाले हैं और काफ़ी कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।